नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। अखिलेश यादव के पीटीए फॉर्मूले के अब असल परीक्षा। नजर बीएसपी की जीती सीटों पर भी। 40% से ज्यादा वोट पाने के लिए अखिलेश यादव ने इस बार खतरा उठाते हुए अलग तरह से चुनावी चौसर बिछाई है। साल भर से पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दे रही सपा ने इस बार टिकट भी इसी हिसाब से बांट दिए हैं। 19 तारीख से जब चुनावी महासागर के लिए पहले चरण के वोट पड़ेंगे तो इसके साथ ही उनके पीडीए की असल परीक्षा भी शुरू हो जाएगी। गौर करने की बात है कि पीडीए में सबसे पहले पी यानी पिछड़ा ही आता है, जिसकी आबादी दलित स्वर्ण दलित के मुकाबले सबसे ज्यादा है। मुलायम सिंह यादव लंबे समय तक अपने MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के बूते लोकसभा व विधानसभा चुनाव में कामयाबी पाते रहे, लेकिन 2014 व 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर के आगे यह फॉर्मूला नहीं चला। दोनों बार उसे 5 सीटें नहीं मिली। इसके बाद पार्टी ने अपनी रणनीति बदलनी शुरू की और विधानसभा चुनाव में उसने अपेक्षाकृत यादव मुस्लिम प्रत्याशी कम उतारे। इसका नतीजा बेहतर आया और सीट 47 से बढ़कर 111 हो गई। सो भाजपा अपने दल कमेरावादी का साथ छूटने के बाद सपा ने सीटवार आकलन कर सोच समझकर प्रत्याशी उतारने शुरू किए और सबसे ज्यादा फोकस गैर यादव OBC पर कर दिया, सामान्य सीट पर भी दलित। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।